बाबा की हाल चाल पढ़ो यार मही ला के लिया इतने पिया मेरा लॉकडाउन च जिम वाला समान पॉलिसी में मिलेगी तब जैसे मैं मरूंगा तो फिर जाएगी आ बड़ा कसा भरा भाई का तो खोलता मैं हर दू लाते हमें ते हाँ जी बाबा की हाल चाल भी सारे बढ़िया हो सो हाजिर है ना मैं ब्लॉग लैके अज का ब्लॉग सीधा ही फार्म हाउस तो आ खड़े ट्रैक इधर खड़ा बाकी उधर खड़े आ ट्राली खड़ी आ सब तो पहले यार सबसक्राइब करके आओ पता नहीं क्यों नहीं सबसक्राइब कर रहे हैं यार शर्म कर लो यार इन्ने वधिया ब्लॉग दे रहे हैं तुहानू इंस्टाग्राम से पुछदा तो इन्ने वधिया वधिया व्यू दिंदे आ तुसीं मतलब इन्नी सपोर्ट कर रहे हैं तो सबसक्राइब क्यों नहीं कर रहे शर्म करो यार जाओ यार पहले सबसक्राइब करके आओ हद करते हैं यार गिफ्ट भी लाया हुआ थर्ड डेली कि चलो तुहानू मैं सप्लीमेंट गिफ्ट करूँगा तभी नहीं सबसक्राइब कर रहे शर्म करो यार शर्म इटली तो हूँ आप की कहन लगे फटाफट दसदा एम्प तुम मैं दसाया सड़िया से पता नहीं सड़िया पता नहीं की सिस्टम आ ये उदो एक बार मंडी ट्रैक्टर बंद हो गया पिछले ब्लॉग पे जे किसी ने नहीं देखा आई बटन च मैं लिंक पा दूंगा देख लियो बाकी हूँ मैं ना पहला मुंडे को फोन किया है कि ड्रिल लै गया ड्रिल करके ना मैं उदो तो यह बनाया नहीं कि मेरे तो ड्रिल है नहीं कि नट खोलन वाली क्योंकि ड्रिल ना कसे हुए मैं ना उदो ही हूँ आया से पेचकस लैके आ बड़िया तारा खोलन मैं आ नट खोल के देखा और पेचकस ना बड़े आराम खुल गया फिर मैं उन्होंने कहा रहन दे आ हालत देखो एम्प की घरेणिया घरेणिया घरेणी कहते हैं ना घरेणिया के घर करो चेक आ हाल आ ट्रैक्टर हाल देखो नवा ट्रैक्टर के हाल देखो कोई हाल नहीं तो बस हूँ फटाफट एम्प लाइए दिखा तुम एम्प लाऊंगे तो बाकी अंदर क्यों नहीं खड़े करते क्योंकि अंदर आलू में लगती दवाई आ खड़ा नवा ट्रैक्टर भी देखो जो हले है वह भी हाल की बना पाया कोई सामान संभाल नहीं साढ़े भावें नवा भावें पुराना यह भी हले नवा ही है कि नहीं हो चलो दिखा तुम हूँ फटाफट ये लाइए एम्प लगता कि हले हमने लवाया से इन्नी माड़ी केयर है साड़ी इन्नी माड़ी केयर यार हुण मैनू ये नहीं ला तो लैना पर मैनू हुण ये किद्दां पता लगू कि लगे किद्दां सीगे एक इन्हां नूं मैं गंढ मार ला उही सिस्टम आ खोल देना आ पर कसण दा नहीं पता मकैनिकी तां इन्नी क कर ली दी आ कि बस लोड की जिन्नी कर ली दी आ बूफर दी होनी आ तार एम्प तो हले गरंटी होना पर शॉर्ट होया एम्प थोड़ी गरंटी छूगा सारा पता नहीं की डिगी जाता चलो तारा लैथ गई सारिया एम्प खोली हूँ फटाफट इतने भी घर लगे पे घरेणिया चल हाँ जी होए आ कदम खोलते शिट 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 मैं तो सोचा नट खोलता खोलना तो आई एक तो सला देखता ही कुछ नहीं है यार आ नाटक नहीं दिखे मैनू ला लो मैं सोच खोल के रखता लाइट वाला तो एम्प लाइट वाला जोड़ा पिछले लाइट लगी आ मैं खोल के रखता एम्प थले आने लग पाया इन्ना की खोलता पहला उधर ही खोल आ बड़ा कसा भरा वा ये कद खोलता मैं हर दू लाते मैं तो बिना देखे खोलता कि बस नाट लगे आ खोलने ही होने फोन आया किसी का उनकी क्रेडिट कार्ड पर कुछ एडिशनल बेनिफिट सुविधाएं प्रोवाइड कर रहा है जी। जिसकी बेहतर जानकारी देने के लिए मैं आपसे आपकी कुछ डिटेल कंफर्म कर सकती हूँ जैसे कि हमें जो आपकी डेट ऑफ बर्थ शो हो रही है वो ये है मैं एग्रीकल्चर फार्मर हूँ यानी कि आप फार्मर है राइट नाउ जी किसी तरह का कोई रिस्क तो नहीं रहता कोई खतरा कोई जोखिम ऐसा कुछ नहीं नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं है यानी कि आपका जो काम है बिल्कुल सेफ और सुरक्षित है जी प्रभजीत जी 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 200% ऑलराइट सर तो प्रभजीत जी कांग्रेचुलेशन करना चाहूंगी आपको आपके एज और आपके पेशेंट के अकॉर्डिंग राइट नाउ आपको पर्सनल एक्सीडेंटल प्लान प्रोवाइड किया जा रहा है दुर्घटना बीमा ठीक है
ठीक है जी, ठीक जी 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 प्लान के रिगार्डिंग सर एक बार आपका कंसल्ट जाना चाहूंगी प्लान को प्रोसेस करने के लिए, यस और नो में? नहीं मैम नहीं करना, बोल रहे नहीं करना जी सर। मैं कारण जान सकती हूँ मना करने के पीछे? मैं कारण अच्छा नहीं है, ये पॉलिसी अच्छी नहीं लगी मुझे। जी क्या कह रहे सर आप? हाँ मुझे पॉलिसी अच्छी नहीं लगी। पॉलिसी का नाम ही नहीं अच्छा मैम, कि ये पॉलिसी में मिलेगी तब जैसे मैं मरूंगा तो फिर जाएगी। मैं जो मरो पहला फिर बीमा होगा, दसो मरूगा पहला कोई पैसे लैन दी। अब भाई आप गड्डी रखते हैं पर फटाफट रेडी होइए, नहाइए धोइए कैम हुई है तो चलिए फिर हूँ कल मशीन ला जानी है, दो दिन का कम फिर फिर तो जमें फ्री हो जाना है, बस दो दिन अपने पेंडिंग से पिछले ब्लॉक भी दसिया, फटाफट हम रेडी होइए तो चलिए। मुंडा कहता मेरा पतंग कितने पिया, कितने पे वे कि इतना कोठे से मेरा पतंग डिगा है, इतने कितने डिगा इतने तो है नहीं, वो इतने तो है नहीं, नहीं है इतने उत्ते तो नहीं है, उत्तरले पासे तो नहीं है उपर, तेन फिर कितने तेन डिगदा कि लगा फिर? इतने पिया मेरा लॉकडाउन च जिम वाला समान, लॉकडाउन चा चेक करो प्लेटा, इतने फिर जिम लाता हूं नहीं, उदो भी नौ डेज ऑफ ही रखा से कम, मेहनत इधर ही आ रही रही है ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਚੱਲ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਤੰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਤੰਗ ਦੇ ਦਈਏ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਹ ਮੈਂ ਵਾਈਫਾਈ ਲਵਾਇਆ ਇੱਥੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਫਾਈਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਏਅਰ ਫਾਈਬਰ ਆ ਇਹ ਲਵਾਇਆ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਏਅਰ ਫਾਈਬਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਫਾਈਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੋ ਗਏ ਰੈਡੀ ਸਟੈਡੀ, ਕੈਬ ਤਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਲ ਵੂਲ ਕਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਟਾਏ, ਬਾਹਲੀ ਘੋਲ ਪੈਂਦੀ ਆ ਵਾਲ ਵੂਲ ਕਟਾਉਣ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਘੋਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਲ ਕਟਾਉਣ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ, ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਚਲੀਏ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਣ ਲੱਗੇ ਖਤਰੋਂ ਕੇ ਖਿਲਾੜੀ ਪੂਰੇ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਡੇਟ ਹੈਗੀ 5 ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਪਨ ਹੋਇਆ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਅਤੇ ਚੱਲੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆਇਆ ਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਬੰਦ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦੰਗੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਬੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਹੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਬਸ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਯਾਰ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿੰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੁੱਧੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਟਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫੇਸ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹੇਅਰਸ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋਥ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੇਜ਼ਰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲੇਜ਼ਰ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਵਾਲ ਕਟਾਉਣਾ ਸਪੋਜ਼ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਟਾਇਆ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਫੇਸ ਪੂਰਾ ਸਾਫ ਦਿਖੂਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਇਆ ਆਫਟਰ 24 ਆਵਰਸ ਜਮਾਂ ਹੀ ਬਲੈਕਿਸ਼ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ, ਵਾਲ 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 ਫੇਰ ਆ ਜਾਣੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੇਜ਼ਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਲੇਜ਼ਰ ਕਰਾਈ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਿਵਿਊ ਦਿਓ, ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਲ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਕਾਲ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੀ, ਕੋਈ ਸਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਸ਼ੋਪ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਚਲੋ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ,
जी मैं कहूँ रश की गल रश जरूर घट आ क्योंकि सारे लोगों के दिलों से अज माहौल खराब आ लोग शहर च आए नहीं सो ये आ कि नॉर्मल जहा भी यार मतलब 50-50 होया पाया यार काम अद्धिया ने बंद कीतिया आ अद्धिया खुलिया आ इतने आके थोड़ा फील होया कि हाँ भी कुछ बंद भी आ बट आई डोंट नो कि वो रेगूलर बंद होंगे या इदा अगर दुकाना मैंने इदा लगती इदा परमानेंटली बंद होंगे शायद मैं निगाह उस तरह देख रहा कि बंद आ बाकी जे ज़्यादा देखिए तो ज़्यादा खुलिया ही आ सो बाबा यह आ गई मॉल टाउन जलंधर कुछ नहीं बंद एवरीथिंग इज ओपन सो जलंधर यार कोई इड्डा रौला नहीं आ ये उदा भी है ना मतलब अमृतसर तो लुधियाने ज़्यादा दिस रहा है पर जलंधर तो कुछ है ही नहीं कुछ भी नहीं है यार कुछ भी नहीं है सो बाबा आप पहुँच गए जिम अगे पता की होंगे सगा कि मैं प्री है ना राह पी के आना हूं सगा पर अज पता की ही मैनू सगा कि होर ना बाद जिम बंद हो मैं उदा ही चल जा पर जिम ओपन आ हूँ तो जाके पीवेंगे मैं क्या होर ना बाद मैं प्री पी ला तो जिम ओपन ही ना हो कहानी पै जाए बड़ी तगड़ी 3-2-1 खुश खुल जा खुश खुश क्यों माँ के हो क्या सब्सक्राइब कर लो डोला देता डोला तगड़ा दिन च कर ली तो घर ही तगड़ा कर लीता है कर लो बस तुम दसा जो तुम भी तगड़ा करना ना पहले सबसक्राइब कर लो बाद तत् दसूंगा कि करीदा इदा नहीं दसने आ देख लो हले तो मेहनत लाइव नहीं डोला चेक कर लो फटाफट सबसक्राइब कर लो फिर जाके मैं नॉलेज शेयर करनी इदा मैं भी नहीं करने वाला लक सबसक्राइबर करो फिर नॉलेज ही नॉलेज आ सो बाबी अज मेरा स्कैजूल हैगा दूजा लैग लाउण का जो तो ब्रेक तो बाद बट मैं ना जमा क्वांटल तो ज़्यादा नहीं चक सकता हूँ भी ये 80 किलो आ मेरे ना आ वाले नीचे पेन होने लग पी मेरे ना थोड़ी प्रॉब्लम है जो तक मैं 5-6 स्कैजूल ला नहीं लेंदा है ना मतलब मेरे थोड़े व्हाट्सएप है भी नहीं हो जाते वो तक ना मेरे एक नीचे पेन हूँ नहीं हटती यदा भी रीज़न आ मेरा जोड़ा इतों लैके इतने का डिस्टेंस है ना नी का एक उच्चा नीवा दोनों च एक उच्चा है एक नीवा आ इन्ना इन्ना वह फिर की होंगे आ एक तो जो भार ज़्यादा पैंता आ वह पेन कर लग पा जो है ना मेरे व्हाट्सएप हैवी हो जाते दैन फिर इन्हों तो कंट्रोल चला जाता फिर मसल तो आ जाता सारा पूरा सो 4-5 जो स्कैजूल नहीं होंगे उद तक मैनू लाइट वेट ही रहना पैंता वो तो क्वांटल तक ताडे लिए भी हैवी होगा पर मेरे लिए लाइट है क्वांटल तक जाना बट अपनी सेफ साइड लिए हूँ भी मेरे पेन बहुत हो रही है मैं तो भी क्वांटल हाथ पाऊँगा फिर इट इज़ 25-20 एक 10 कर लिया पूरा छोड़ो मैं क्या 10-10 किलो नहीं देखी दा बड़ा सो देखते हैं 2 रैप या 3 रैप इन्ने लाने लग तो 10 भी सकते हैं पर बड़ा जोर नहीं पाना नहीं तो इस करके क्योंकि आप लंबा चलना एक दिन नहीं कला जोर मार लेना अगे ही मार लेना फिर अगे पूरा पूरा इन्हू नॉलेज कहते हैं कि पूरा अपनी गेम च आके जोर मारना वो ज़्यादा बैटर होंगे है उही गल हो बाबा जी नींद तो बहुत जोर आ गया आप एक रैप लाया बहुत ज़्यादा जोर आ गया जी जे हमें थोड़ा भी जोर लाया इंजरी हो सकती है सो चलो अगे हम 20-25 मिनट है अपन एक्सरसाइज मुकानी पैनी है क्योंकि अपन काम बहुत जरूरी है 20-25 मिनट है हम फटाफट एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं बहुत ज़्यादा पेन हो रही है बहुत शिट मेरे तो टाइम है सिर्फ 10 मिनट थर्टी 40 50 अपर बॉडी मेरे कोई इदा की प्रॉब्लम नहीं होंगी इस करके छेती गेन हो जाती है
लोअर बॉडी च मेरे थोड़ी प्रॉब्लम है, इनू महीना क लग जाता, पर फिर महीने बाद जी शेप होंगी ना एड्डी धाकड़ आँदी है ना, कहने की गल नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। मैं 2 बजे कपूरथले पहुँचना शार्प तो भी पहला, लेट्स गो। ओके ब्रदर, इतने भी डर होंगे नी इंजरी का, इको दम। चलो पानी भर लिए। सो लैफ्ट जा रहा है फटाफट, हूँ बेसमेंट च भी आ रहा है, खुल जा। कितने जाव, इन्ना रश पिया होया, कहने की गल नहीं, इन्ना रश पिया होया, लिटरली देखो गड्डियां गड्डियां यार, हूँ मैंने फटाफट उत्थे जाना है तो मैं कितों निकल जाऊँ इन्ने रश चो। सो बाबा जी, आप टाइम तो पहले ही मतलब ऑलमोस्ट पूरे 2 बजे पहुँच गए हैं, पर हले 2 बजे किसी ने आना से ले आया नहीं, उन्होंने भी 10-15 मिनट लगने, बट आई एम ऑन टाइम। सवेरे उठे हैं, सारा कुछ सारे काम छेती छेती किए। सो हूँ एम्प भी दे दिए जो लाया सगा फटाफट शॉप से जितों का सिस्टम लवाया, क्योंकि इदा तो फिर वो होर खराब हो रहा है, जिहड़ा मैं इस बार माड़ा मोटा सुनना सी। इस बार ड्राइवर भी एक कहिंदा सी मैनू भाई दे दिओ, पर इस बार चलो हुण इही खराब ही सीगा ते किद्दां सुणदे, बट अपना रेडी ते रखो एटलीस्ट। हुण ना इहदे जिहड़ा एम्प दी ते बूफर दी हालत हो गई या सिस्टम दी हालत हो गई, मेरा हुण 55-20 ते लवाउण नूं दिल नहीं करदा पिया, क्योंकि वर्थ इट नहीं हो रहा यार कम। मैं आह जिहड़े आलूआं दी पटाई ते मैं लवाया सी पिछले साल, हले मतलब 3 महीनों तक जिहड़ा सी आउणा आ टाइम, उदो ड्राइवर नहीं सी, उदो मैं लेजर की ही सारी अपनी जमीन, इस करके मैं लवाया सी, ते बाद चो तो बाद कदे वर्थ इट नहीं होया। लैट सी के जे वर्थ इट हुंदा दैन गुड है, नहीं तो मेरे तो भी ला देना। सो बाबी आपां गए पहुँच जिहड़ी शॉप तो आपां सिस्टम लवाया सीगा, आ रही सामने ओ वाली साइड फेस है। बाबा की हाल चाल? बढ़िया जी। पड़ो यार मही ला के लिया इन्हू। तो साहब अपनी बार लाइटा पई हैं, जी आप लाई सी जी आप बड़े लाई सी। हाँ जी हाँ जी। वह किदन तक आऊगी? छपंजा भी लवा के जानी है। ओके चल दस दी मैं जिदन भी आई हूँ। सुबह भाई आप गए एम्प लैन, एम्प केंद्र सही सगा, चक्कर पै गया सगा, सारा फ्यूज उड्डा जी, यहाँ केंद्र फ्यूज उड्डा जी ना भाई, बाकी तो सही सगा ऑलमोस्ट है, पानी गया है ना। हाँ पानी तो गया, मैं आप ही कहता पानी गया, हाँ मीह च खड़ा रह गया हूँ, ये मतलब डायरेक्ट होगा? नहीं डायरेक्ट नहीं होजूगा, ठीक करके ना सतावे थोड़ा स्पेयर पार्ट करके नहीं तो गए नु तो। अच्छा उदा पे नु तो बहुत ही टाइम हो गया, महीना के उते हो गया 10 मिनट को फोन दे ले, जे होला लगा ते होनी कर दे ले। मैं मनी नु दसया सीगा उदा ही, मनी ने जो दसया ठीक है ठीक है ठीक है। बंदे वेले नहीं सी पहला, उदो उन्होंने चला के देखा सीगा ते चक्कर मिनट ए हो गया, उदो कल्ला फ्यूज लाए ते ओ सिग्नल सुग्नल दिखाउण लग पिया, कहते हुण भी रहे आ कि ठीक आ। फिर मैं दसिया कि एक्चुअल मैं दस पहला भी गया सीगा कि भाई पानी पिया इदा इदा ना, भी बैटरी चूस गया सी उदो पूरी अपने होलैंड दी बड़े दी मंडी च खड़े खड़े, ते फिर मैं हुण मीह पिया सी उदन तां करके डायरेक्ट हो गया सीगा उदन, तां करके चूस गया सी पूरी 10 मिंट विच विच बैटरी चूस गया जी। फिर मैं पूरी गल समझाई कि चक्कर मिंट की आ भाई, वह हल करो कि गरंटी देवो, क्योंकि साडा काम इदा दा आ कि भाई ट्रैक्टर नहीं असी खड़ा होण दे सकदे, जो मर्जी आ जे बैटरी फिर चूस गया काम च खड़ा हो गया, दूजा ट्रैक्टर लियाउण दी भी मतलब जरूरत पै गई स्टार्ट करन लई, ते बाबा जी अपना तो कतल हो जाणा सीधी जी गल आ, आपां इन्ना रिस्क नहीं लै सकते, उहनां नालों नवां लाउणा फिर फार बैटर आ, एडा वड्डा रिस्क नहीं लै सकते, एडी ए पक्की गल है साढ़े लिए 10 मिनट का भी बहुत वड्डा रिस्क हुंदा आ। सो काइंड ऑफ हुण फटाफट चलीए घरे। सो होपफुली बाबा जी तुहानू ब्लॉग वधिया लगा होगा, मिलते हैं हुण अगले ब्लॉग च, सबसक्राइब कर लो यार, सपोर्ट दिखाओ रेगूलर, तो डेली ब्लॉग आप पक्के फॉर श्योर कर देंगे जे तुसीं इस ब्लॉग च सपोर्ट दिखाओगे। पक्की गल है जिदा यार तुसीं इंस्टाग्राम ते कहने हो ना, आ देखो जिदा शूक का किदा हो डिया भी जिदा बेची आ गया अंकल ने मारनी आ, तो जिदा तुसीं इंस्टाग्राम ते कहने हो कि भाई इदा कर उदा कर भी ताकी हुंदा कम दिल ही नहीं लगता, भाई इत्थे भी दिखाओ, इत्थे भी उस लैवल की सपोर्ट दिखाओ। आ की करना चाह रहे आ जा तू, आ जा भैन दी हारन ते हारन चढ़े आ, लै हुण कढ ला अगे सैड कर ला, ते बाद चो सैड देती फिर भी तो नहीं करना। चलो मिलते अगले ब्लॉग च, मेरा चलते ही रहना, चंगा जी ओके।